खुश्क बादलों पर पड़ी मुद्दत बाद ये बहार, नशा सा छा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। चड्डे कहिए, कैसे याद किया मेरे हमनवाज? अरे नवाजुद्दीन, चलो थोड़ा साइड हट के खड़े रहो, उधर उधर चलो, देखो मत। संतो जी, आपने बुलाया था छुछुंदर को? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। पर आप ही ने तो फोन किया था संतोष जी। मैडम सर ने मुझे कहा था कि तुम्हें फोन करके बुलाओ। सुने सुने, इन्होंने नहीं बुलाया था, मैडम सर ने कहा था इसलिए इन्होंने फोन किया था। अब तुमने ज्यादा सपने ना पाला करो अमोल पालेकर, इतने अच्छे नसीब नहीं है तुम्हारे जो जन्नत के परी के सपने देख रहे हो लंगूर की शक्ल के। ये फूल दो इधर, माही मजदूर पचाने काम आएंगे। अरे एक फूल दो माली का लफड़ा चालू हो गया इधर। फिर से मुंह सड़ा लिया, मक्खी आके बैठ जाएगी तेरे मुंह पे। अरे कितना बोलोगे बाबू, कितना है? चलो बाहर का रास्ता उधर से निकलो, वहां से उधर देखो, उधर से निकलो तुम। और मैडम से इन पर्सनल लेवल पर ऐसे हमारा ना रिक्वेस्ट है आपसे, जब कभी भी आपको इसे कंकाल केकड़े को बुलाने का मन करे ना, आप हमें ऑर्डर दीजिए प्लीज। अम्मा चीती चुप करो यार, सब धुन भूले राम धुन न भूले, तुम्हारी सुई वही अटक जाती है। मैडम सर, आपने बुलाया सनी को? हाँ, हमने बुलाया था। हम मेहरा के बारे में इनसे कुछ जानना चाहते हैं, तो बताओ क्या जानते हो? कौन मेहरा मैडम? विक्रम मेहरा, हाई सोसाइटी के खासा मकबूल नाम है, तुम नहीं जानते? हाँ हाँ बिल्कुल जानता हूँ, हर ऐसा कोई है इस शहर में जो मेहरा साहब को नहीं जानता? मैडम बहुत बढ़िया आदमी है मेहरा साहब, he's a great man संतोष जी, great man। अरे उन्होंने शहर के लिए क्या कुछ नहीं किया करिश्मा जी, सबसे बड़े समाज सेवी हैं उस शहर के, सब लोग उनको बहुत मानते हैं। अरे सबके छोड़िए पुष्पा जी, मैं खुद सनी चड्डा उनको कितना मानता हूँ। पर मैडम सर, चक्कर क्या है? आप मेहरा साहब की इन्फॉर्मेशन क्यों निकालना चाहती हैं? अरेस्ट करना है तुम्हारे मेहरा के बच्चे को। हैं जी? हाँ जी। मेहरा साहब, आप मेहरा साहब को गिरफ्तार करने की बात कर रही हैं? किस जुर्म में मैडम, ऐसा क्या कर दिया उस भले आदमी ने? किडनी चुराने का इल्जाम है तुम्हारे इस सो कॉल्ड भले आदमी पर, किडनी रैकेट चलाता है ये महान मेहरा। इम्पॉसिबल मैडम, ही इज ऑलरेडी अ वेरी रिच गाय, इतना पैसे वाला आदमी है वो, उसको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत पुरानी कहावत है सनी महाराज, हर घर में एक कमरा कम है, हर तिजोरी में एक रुपया कम, और ये पैसा जो है ना बहुत बुरा नशा है, जितना भी हो उतना कम पड़ जाता है, समझ रहे हो? वाह, क्या चुम्मेश्वरी डायलॉग मारा है। तुम्हारी मैया की गंगा पर मैया। मैडम मैडम, मेरा वो मेरा। मैं नहीं मानता करिश्मा जी, और मेरी छोड़िए शहर में कोई भी नहीं मानेगा कि मेहरा साहब जैसा आदमी भी ऐसा गैर कानूनी काम कर सकता है। He's a big name, ma'am. सोच लो। देखा आपने करिश्मा सिंह, जंग में जाने से पहले देख लेना चाहिए कि सामना किससे। आपका क्या मतलब है मैडम सर कि अगर मेहरा साहब बहुत बड़े आदमी है तो हम क्या अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? बिल्कुल नहीं, हम मेहरा को पकड़ेंगे भी और उसे सजा भी दिलवाएंगे, लेकिन ये करने के लिए हमें पहले चाहिए उसके खिलाफ पुख्ता सबूत, ऐसे सबूत जो दुनिया की कोई अदालत नजरअंदाज ना कर पाए, ऐसे सबूत जो सामने आते ही इस शहर की आंखों पर जो मेहरा का महान इमेज का चश्मा पड़ा है ना वो उतार दे। अगर हमें ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग के इस ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करना है तो सबसे पहले मेहरा जैसे लोगों को एक्सपोज करना होगा, उनकी असलियत से दुनिया को वाकिफ कराना होगा। आप सबूत चाहती हैं ना मैडम सर, हम आपको सबूत लाकर देंगे। रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको अंगद आचार्य की चार्जशीट फाइल करनी थी, हो गई? आप यहां रहकर अपना काम खत्म करेंगी, जो करेंगे हम करेंगे, और वैसे भी इस मिशन में होश की जरूरत है, जोश की नहीं। भैया क्या हो रहा है ये सब, किस चक्कर में आप लोग? सामूहिक आत्महत्या का प्लान है क्या मैडम सर? जो इल्जाम आप मेहरा साहब पे लगा रही है ना, अगर 1% भी प्रूव नहीं कर पाई ना तो कितना बड़ा बखेड़ा हो जाएगा यहाँ पे, आपको आइडिया नहीं है? सब नपेंगे, सबके कन्ने कटेंगे, सब जाएंगे अंदर बेभाव, और बचाने के लिए कोई नहीं होगा आपके पास, आपका ये थाना वर्दी नौकरी सब चला जाएगा। एक बार फिर से सोच लो मैडम। मत करो मत करो,
चड्डे का सुनो इस बार। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। बेहतर समय सामने से नहीं आता, जिंदगी को बेहतरीन बनाना पड़ता है। वाह, क्या बात! अब चाहे वर्दी रहे या ना रहे, विक्रम मेहरा को तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम आपके साथ हैं। चलिए, वो जो नासपिटा मेहरा है ना, उसकी बैंड बजाते हैं। हम भी आपके साथ हैं। एक्शन। संतू जी, क्या हो रहा है आपको? अरे एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। संतू जी, संतू जी, क्या हो रहा है? पेट दुखने की एक्टिंग कर रही हूं ना मैं। अच्छा संतू जी, ऐसे अभिनय कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ उल्टा पुल्टा खा लिए। पेट दर्द का नागिन डांस जाता लग रहा है इसे, मतलब। संतोष शर्मा, आप ऐसे करेंगी तो 2 मिनट में पकड़ी जाएंगी। मैडम सर, आप जानती है ना, मेरा जेन्युइन वाला प्रॉब्लम है। जब कुछ झूठ बोलती हूँ या सच छुपाती हूँ तो मेरा पेट दर्द होता है, जैसे अभी हो रहा है। एक बार सच बोल दूँ, प्लीज प्लीज बोलिए। मैं कोई पेशेंट वेशेंट नहीं हूँ, मेरा नाम संतोष शर्मा है, मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ। हम यहाँ स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि मेहरा और उसकी पूरी टीम को रंगे हाथों पकड़ सके। सच्चाई की पुतली है आप। आई नो। अब बेटर फील हो रहा है? हल्का हल्का महसूस हो रहा है मैडम सर। थैंक यू। मामा, थैंक यू की बच्ची, तुम्हारी ये जो सच की उल्टी है ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा करके रख देगी। मुझे झूठ बोलना नहीं आता पुष्पा जी। क्या? औरत होकर तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता? तुमने तो नाक कटवा दी हम औरतों की। आपको आता है क्या झूठ बोलना? अम्मा के पेट से, हमारी अम्मा भी बोलती थी ना, तो इनबिल्ट है। तो फिर आप ही संतोष का रोल क्यों नहीं कर लेती? हम? हाँ हाँ, अगर आप झूठ बोलने में इतनी एक्सपर्ट हैं तो फिर आप ही कर लीजिए ना संतोष का रोल। ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो कर लेते हैं। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, प्लीज मैडम सर, प्लीज, ये पर्सनल लेवल का रिक्वेस्ट है, इनको एक्टिंग करने का मौका मत दीजिए। ओवर एक्टिंग का ऐसा सैलाब आएगा ना कि हम सबको बहा कर लेकर चला जाएगा, पकड़े जाएंगे। क्या मतलब? मतलब आपकी आंखें पुष्पा जी, इतनी भोली है ना आप, इतनी भोली कि चाहे आप लाख झूठ बोले लेकिन आपकी आंखें सच बयां कर ही देंगी, पकड़े जाएंगे। कैसे पकड़े जाएंगे? हम काला चश्मा पहनकर जाएंगे ना, जब हमारी सुंदर आंखें ही नहीं दिखेंगी तो हम कैसे पकड़े जाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। एक मिनट, ये आइडिया अच्छा है। क्या चल रहा है यहाँ पर? मेहरा पर स्टिंग ऑपरेशन की तैयारी चल रही है मैडम। चीता और पुष्पा जी गरीब लाचार बनकर मेहरा के पास जाएंगे। लगेंगी। पुष्पा जी अपने पेट दर्द के बहाने से मेहरा से मदद मांगने की कोशिश करेगी। जाहिर सी बात है कि मेहरा ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देगा। वो पुष्पा जी को उसी हॉस्पिटल भेजने की कोशिश करेगा जहां जोया के पापा की किडनी निकाली गई थी। बस इसी दौरान कैसे भी करके मेहरा से कन्फेशन निकालना है और फिर। और जब वो मेहरा का बच्चा कोर्ट पहुंचेगा ना, तो आपकी ये गरीब लाचार पुष्पा जी इनको पहचानने से मना कर देगा। कन्फेशन तो छोड़ो, कन्फेशन का कोई सबूत भी नहीं बचेगा। कौन मानेगा पुलिस का बात? और कैसे प्रूफ कर दोगे उसको गुनहगार? ये पेन। मैडम सर, ये पेन करेगा मेहरा साहब को गुनहगार साबित। ये देखिए मैडम, मेहरा साहब हमेशा अपने पास ठीक ऐसा ही पेन रखते हैं, तो किसी तरह उनके पेन से इस पेन को रिप्लेस कर दिया जाए तो। संतु जी सुन रही है, पेन बदलने से पकड़ेंगी। अबे ओ चीते, इस पेन में मल्टी डायमेंशनल वाला स्मार्ट हिडन कैमरा फिट है और हाई डेफिनेशन वाला शार्प माइक्रोफोन भी फिट है, जिससे एक एक बात और एक एक मोमेंट मेहरा साहब की कैप्चर हो जाएगी और बड़ी आसानी से साबित हो जाएगा कि मेहरा साहब गुनहगार हैं या बेगुनाह।
जीनियस सनी। हाय संतोष जी, आप ही को तो इंप्रेस करने के लिए सब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। साधु जी को पता है। अंग्रेजी बोले जी बोलेगा। क्या हुआ बे? हाँ कुछ नहीं। वैसे ऐसे बहुत से जीनियस आइडियाज आते रहते हैं मुझे। कोरोना के साथ साथ तुम भी बहुत फैल रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो ना। थैंक यू सनी कि तुमने हमारी बात मानकर हमारा साथ देने का फैसला लिया। वो इसलिए मैडम कि डील जो हुई है हमारी आपके साथ, और मेरी न्यूज तो बनी जाएगी दोनों सूरतों में, चाहे आप सही हो या मेरा साथ। ठीक है, देखते हैं। पुष्पा जी और चीता, आप लोग तैयार रहिए। जी मैडम सर। ऑल द बेस्ट। मैडम सर, हम कह रहे थे कि हम इनके साथ जाते हैं, कल को कुछ गड़बड़ हुआ तो कोई सुरक्षा करने के लिए भी तो चाहिए। उसकी चिंता आप मत कीजिए करिश्मा सिंह, ये दूध पीते बच्चे नहीं हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। हमें यहाँ थाने का ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए, इसलिए आप यहीं रहेंगी। जय हिंद करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। ये वो चार्जशीट आपने कहा था खत्म करने के लिए, जैसी खत्म होता है आपके टेबल पे आके रखते हैं। हम जानते हैं कि आप खुश नहीं हैं करिश्मा सिंह, लेकिन हमारी मंशा आपको परेशान करने की नहीं है। हम बस आपको समझाना चाहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। और वैसे भी ये एक महिला पुलिस थाना है, इसकी तो नींव ही इसीलिए रखी गई थी ताकि लोग प्यार और अपनेपन पर भरोसा करना सीखें। महिला पुलिस थाना का बुनियाद ना इंसाफ के लिए रखा गया था, उन मुजलिमों को इंसाफ दिलाने के लिए जिन्हें कहीं और इंसाफ नहीं मिलता है, उन कमजोर लाचार लोगों का आवाज सुनने के लिए जिनका ये न्याय मंडली आवाज नहीं सुनता है। अगर हम भी ये प्रोटोकॉल और प्रोसीजर फॉलो करेंगे मैडम सर, तो फिर मिलिए इन मुजलिमों को इंसाफ। माफ कीजिएगा लेकिन देर से मिला इंसाफ भी नाइंसाफी कहलाता है। क्यों डर रहा है बेचीते? हम हैं ना। अरे इसी बात का तो डर है पुष्पा जी कि आप हैं, आपकी ओवर एक्टिंग ना मरवा ना दे। प्लीज प्लीज समीप संतुलन, अभिनय पर संतुलन पुष्पा जी। चुप कर, हमको अभिनय सिखाता है। तुम जब से पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब से हम अभिनय को समर्पित हैं। जान दे सकते हैं अपनी अभिनय के लिए। हाँ, वो तो कोई ना कोई ले ही लेगा एक दिन आपका अभिनय देखकर। क्या? हम खाली इतना कह रहे हैं कि आपको याद तो है ना क्या करना है। हेलो डॉक्टर विकास, मिला कोई डोनर जोया के लिए? बहुत कोशिश की है सीना जी, पर कोई डोनर नहीं मिल रहा है। एंड आई एम रियली वरीड क्योंकि सुहा की तबीयत बहुत बिगड़ दी जा रही है। मेडिसिन्स दे रहे पर दवाइयाँ भी एक हद तक ही मदद कर सकती है। आखिर दवाइयाँ भी इंसान की इंडिविजुअल पावर पर काम करती है, यहाँ तो वो भी काम करती नजर नहीं आ रही। मुझे डर है कि अगर ऐसे ही रहा तो जोया ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। आप एक काम कर सकते हैं, आप जोया को यहाँ पुलिस स्टेशन ला सकते हैं। पुलिस स्टेशन किस लिए? देखिए आप हम पर भरोसा रखिए, आप बस किसी तरह जोया को यहाँ ले आइए। ओके, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू। क्या यकीन नहीं हो रहा है हमें कि आप अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने जज्बातों को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं?
जोया को आप हॉस्पिटल से यहाँ थाना बुलवा रही हैं, जबकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत अभी हॉस्पिटल की है, डॉक्टर की है, मेडिकल अटेंशन की है। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं करिश्मा सिंह, और हम आपको सफाई देना जरूरी नहीं समझते। हमें बताना होगा, आपको हमें बताना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मासूम बच्चे की जिंदगी के साथ क्यों खेल रही हैं आप, बताइए हमें। कैमरा वाला पेन संभाल के रखी है ना? अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, वेरी गुड मतलब? अरे बता नहीं रहे, पूछ रहे हैं, संभाल के रखी है ना? बेवकूफ हो, हम क्यों संभालेंगे, तुम संभालने वाले थे ना? इसीलिए नहीं आना था हमको, इसीलिए नहीं करना था हमको। अरे भगवान, बताइए, स्टिंग ऑपरेशन करने आई है। अरे माता, देखिए देखिए ना माता, देखिए बैग में होगा। अरे हाँ, बैग में होगा, देखिए ना, ढूंढिए, मेरा आने वाला, ढूंढिए। हाँ चलिए चलिए, हो गया, मेरा सब आ गया। जय माता दी। नमस्ते मेहरा साहब। क्षमा कीजिएगा, थोड़ी सी देर हो गई। मेहरा साहब, माँ, मेहरा साहब आ गए। माँ, मेहरा साहब आ गए, कहाँ है मेहरा साहब? माँ, हमारे माए बाप, हमारे भगवान, कहाँ है मेहरा साहब? क्षमा कीजिएगा मेहरा साहब, क्या है ना कि माता जी देख नहीं सकती। माता जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप हमसे बड़ी हैं। अरे मुझे आपके चरण छूने चाहिए। माता जी आप आइए, बैठिए बैठिए, आप आओ। कहाँ बैठना है? बैठ। आओ माँ। अरे माँ, 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 अरे वो मेरा साहब की कुर्सी। अच्छा, इधर आओ माँ, इधर आओ, हमको माफ कीजिएगा। बैठो यहाँ पे। इतना ओवरएक्टिंग की, उधर ही बैठ गई, थोड़ा काबू काबू। बेटा मेहरा साहब, हाँ हम करते हैं मेहरा साहब जी। तो आप अपनी माता जी की आंखों की रोशनी का इलाज करवाना चाहते हैं? नहीं, पेट के दर्द का। क्या है ना कि हमारी माता जी के पेट में ना इसे बहुत जोर का दर्द रहता है। साफ रखा है क्या? अरे माँ, माँ रखो ना उसको। और हम लोग ठहरे गरीब आदमी, सरकार तो बहुत गरीब आदमी, गरीब आदमी, तो हम सोचे कि अगर हम लोग आपसे सिफारिश करेंगे, आपका मदद हो जाएगा और फ्री में इलाज हो जाएगा, तो बहुत एहसान होगा आपका मेहरा साहब इसे। पर ये देखने से तो बिल्कुल ठीक लग रही है। वही तो। क्या क्या वही तो? दिखाई नहीं देता है। दर्द कौन सा दिखाई देता है, ये तो महसूस होता है। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, क्या है ना कि माता जी के पेट का जो दर्द है ना, वो भी माता जी की तरह ही अंधा है। हाँ। उसको भी पता नहीं चलता है कि कब, कहाँ, कैसे और किस वक्त उठना है। उठ तो अभी भी रहा है, उठ रहा है ना माँ। हमारे पेट में बहुत दर्द, दवा दिया सर, हमको उठा ले भगवान, ये दर्द तो कहा था ये देख नहीं पाती, तो इनको कैसे पता कि ट्रे में जूस रखा? वही तो। अरे क्या वही तो? अरे वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने। कौन सी कहावत? जब भगवान इंसान में एक कमी छोड़ता है तो दूसरी शक्ति देकर उस इंसान की कमी पूरी कर देता है। ठीक वैसे ही भगवान ने माँ की आंख तो छीन ली, पर दूसरी शक्ति दम, मतलब जिसे से नाक की शक्ति देकर, तीखे नाक की शक्ति देकर वो कमी पूरी कर दी। अरे अभी तो यहाँ पे ऐसे कर रही है, घर पे बैठे हुए 2 किलोमीटर तक सूंघ लेती है कि क्या नुक्कड़ पे बिक रहा है, गोलगप्पा बिक रहा है, पानी पूरी बिक रहा है, क्या बिक रहा है, सब जान जाती है। और जूस तो फिर भी यहीं पे रखा हुआ था, इसीलिए सूंघ ली मेरी माँ। बहुत बहुत ध्यान रखता है मेरा बेटा। हाँ हाँ, मैं समझ गया। दरअसल माता जी को पेट दर्द का इलाज कराना है जी। आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा, बस अभी के अभी सारा प्रबंध कर देते हैं। ठीक है माता जी? धन्यवाद। हाँ।
सिर्फ हाथ पैर चलाने से केस सॉल्व नहीं होते करिश्मा सिंह, केस सॉल्व करने के लिए चाहिए एक ठहरा हुआ, सुलझा हुआ और मैच्योर माइंडसेट, जो हालात के हिसाब से फैसला ले सके, फिर चाहे इंसाफ मांगने वाला ही ना रहे। कानून कहता है कि भले ही 100 गुनेगार छूट जाएं, लेकिन कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। फिर चाहे वो गुनेगार और 1000 गुना कर दे और एक बेगुना को बचाने के चक्कर में 1000 बेगुना की जान खतरे में डाल दे। ऐसा ही है करिश्मा सिंह, ऐसे ही चलता है मुल्क का निजाम, आपके इस बेवक्त और बेमतलब के जोश से नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि आप देश की कमियां ढूंढने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। और रहा सवाल आपके तौर तरीकों का, तो जब तक हम हैं नहीं चलने देंगे। नहीं करना हमें ऐसा काम मैडम सर, नहीं करनी ये ड्यूटी जिसमें आंखों में पट्टी बांधने को कहा जाता है। शादी हुआ नहीं है आपका, घर गृहस्थी बना नहीं है, इसलिए टाइम पास करने के लिए ना ये जज्बातों का अक्कड़ बक्कड़ खेलती रहती हैं आप। शादी हुआ होता ना फिर समझ में आता कि रिश्ते का होते, उनका जज्बात का होता और जो भावनाएं हैं वो किस चिड़िया का नाम है। हमने अब तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि फिलहाल हम देश की सेवा करना चाहते हैं। तो आपका मतलब है कि हमारा शादी हो गया है तो हमारे अंदर से देशभक्ति बिल्कुल खत्म हो गया? वो तो पता नहीं, लेकिन हम बहुत खुश हैं। हमें भी नहीं पता मैडम सर आपका, लेकिन एक बात जरूर है, आपकी तरह ना बनना कोई नहीं चाहेगा। बनना तो कोई आपकी तरह भी नहीं चाहता करिश्मा सिंह। गलत फहमी है मैडम सर आपका, आजकल हर बच्चा ना करिश्मा सिंह बनना चाहता है और ये जो गला हुआ सड़ा हुआ सिस्टम है ना, इसको चेंज करना चाहता है। जोया, हॉस्पिटल में तो आप जवाब दे नहीं पाई, अब बताइए आप बड़ी होकर किसके जैसा बनना चाहेंगी, हमारी तरह या करिश्मा सिंह की तरह? करिश्मा दीदी की तरह। एकदम सिंगम और दबंग टाइप। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.